education.com में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर से रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस कर रही हूँ। यूनिवर्सल मोटर के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन सभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिवर्सल मोटर होता है क्या। तो यूनिवर्सल मोटर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन सिमिलर होता है डीसी सीरीज मोटर का, और हम यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं क्योंकि ये एसी एज वेल एज डीसी दोनों पे ही वर्क करता है। रिएक्टेंस जो होता है, जैसे कि जो सर्किट जो होता है यूनिवर्सल मोटर का, वो इस तरह होता है। इसमें एक फील्ड वाइंडिंग होता है और फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में हमारा आर्मेचर वाइंडिंग लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे जो करेंट होता है सीरीज करेंट, वो दोनों ही आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों में ही सेम ही करेंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसमें एक रिएक्टेंस प्रोड्यूस होता है। उस रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग का जो वायर होता है उसको ठीक रखते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स हम कम रखते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने से हमारा क्या होता है कि रिएक्टेंस कम होता है। ये कैसे होता है इस चीज़ को देखते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, एल इजकल टू एन फाइव बाई आई, ठीक है, और फाइव इजकल टू होता है बी ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाइव के जगह पर बी ए पुट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया, जो मैंने बोला कि एरिया क्या है, ये जो एरिया होता है ये इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ये हमारा एरिया, ये जो हमारे यहाँ पार्ट है ये एरिया है। तो एरिया हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्न्स को घटा रहे हैं, एरिया पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स घटा मीन्स हमारा एल घटा। और हम लोग क्या जानते हैं, रिएक्टेंस इजकल टू होता है टू पाई एफ एल। तो यहाँ पर L डिक्रीज किया मीन्स हमारा रिएक्टेंस भी डिक्रीज किया। तो यही वजह है कि हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने से और वायर को ठीक रखने से हमारा क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जो हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज को पूरी तरह से, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग के रिएक्टेंस वोल्टेज को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। अगर हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली एलिमिनेट नहीं करते रिएक्टेंस वोल्टेज को पूरी तरह से। लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग जो हमारी ये आर्मेचर है इसके रिएक्टेंस वोल्टेज को एलिमिनेट कर देते हैं पूरी तरह से बाय द हेल्प ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं, ठीक है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, उसके एमएमएफ जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो एमएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और जो आर्मेचर वाइंडिंग एमएमएफ जो प्रोड्यूस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, जिससे वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो एमएमएफ होता क्या है, तो एमएमएफ जो होता है एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करेंट, उसी को एमएमएफ बोलते हैं। तो हम इस तरह आर्मेचर और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को अरेंज करते हैं कि दोनों का एमएमएफ जो होगा एक दूसरे से अपोजिट हो, जिसके वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ यूनिवर्सल मोटर में। तो हम लोग दो तरह के यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं, जहाँ पे एक में कंपनसेटिंग वाइंडिंग वाले या फिर एक होता है नॉन कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो एक होता है नॉन कंपनसेटिंग टाइप, एक होता है कंपनसेटिंग टाइप, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सल मोटर क्या है कंस्ट्रक्शन, तो यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो बहुत सिमिलर होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वह सेम कंस्ट्रक्शन होता है यूनिवर्सल मोटर का भी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटर ऑन विच, ये कंसिस्ट करता है स्टेटर को, जहाँ पर हमारा फील्ड पोल होता है, फील्ड पोल माउंटेड रखते हैं स्टेटर पे, ठीक है। और फील्ड क्वाइल जो होता है फील्ड पोल के ऊपर इम्बिल्ड होता है, मतलब इम्बिल्ड नहीं, मतलब हम लोग लगाते हैं उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है, इम्बिल्ड होता है। और जो हम लोग नॉन कंपनसेटिंग टाइप जो होता है उसके बारे में जान लेते हैं। नॉन कंपनसेटिंग मोटर जो होता है हैज़ टू साइलेंट पोल, इसमें दो साइलेंट पोल्स होते हैं, ठीक है। और इट इज़ लैमिनेटेड, ये हमारा क्या होता है, जो पोल्स होते हैं वो लैमिनेटेड होते हैं ताकि ईडी करंट लॉस को कम किया जा सके। ये चीज़ मेनली पूछी जाती है कि हम लोग लैमिनेटेड क्यों करते हैं, तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। आर्मेचर इज ऊन टाइप, यहाँ पर जो आर्मेचर में यूज करते हैं वो ऊन टाइप यूज करते हैं। दो प्रकार के आर्मेचर होते हैं, एक दो प्रकार के हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, एक करते हैं स्क्वायर टेल टाइप, एक होता है ऊन टाइप। तो यहाँ पर हम लोग जो आर्मेचर वाइंडिंग कर रहे हैं वो ऊन टाइप कर रहे हैं, ठीक है। और ये लेमिनेटेड कोर, जो लेमिनेटेड कोर होता है, जो हमारा आर्मेचर होता है वो कोर पे
कोर होता है, और उस कोर के स्लोट पे हमारा कंडक्टर रहता है, उस स्लोट के अंदर कंडक्टर रहता है। तो ये जो हमारा लेमिनेटेड कोर जो वो भी लेमिनेटेड जो हमारा आर्मेचर कोर होता है वो भी लेमिनेटेड होता है, ताकि हमारा एडी करंट लॉस उसको कम कर सके। ठीक है, तो ये हमारा जो उसका स्लोट जो होता है, या तो स्ट्रेट होता है, या तो हम लोग सीधा सीधा स्लोट बनाते हैं इस तरह सीधा सीधा, या फिर हम लोग स्क्रूड तरह का हम लोग स्लोट, जैसे कि हमने इंडक्शन मोटर में बनाते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, वहाँ पर हम स्क्रूड क्यों करते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर लॉकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए होता है क्या है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, एनआर जो होता है हमेशा द रोटर स्पीड जो होता है हमेशा लेस देन होना चाहिए सिंक्रोनस स्पीड का। ठीक है, तो अगर हम अगर लॉकिंग टेंडेंसी अगर इसमें हाई रहेगी तो दोनों क्या होगा, रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों एक ही समान स्पीड में रोटेट करेगी। तो इसलिए लॉकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग स्क्यूड स्लोट रखते हैं। ठीक है, थोड़ा तिरछा करके स्लोट स्लोट का जो बनाते हैं वो हम लोग थोड़ा तिरछा करके बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको तिरछा ही बनाना है, मैं स्ट्रेट भी बना सकती हूँ या फिर स्क्यूड स्लोट। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो लीड्स होता है, जो बाहर बाहर निकलता है लीड्स, वो सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, कम्यूटेटर से। सेम ही जैसे कि हम लोग डीसी सीरीज डीसी मशीन में भी पढ़ते हैं कि आप एक कम्यूटेटर होता है। ठीक है, इस तरह, और यहाँ बहुत सारे माइका लगे होते हैं दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सभी कंडक्टर आकर सभी में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रश लगा होता है, और ब्रश क्या करता है, करंट को कलेक्ट करता है। ठीक है, अब हमारा होता है कि जो हाई जो ब्रश हम लोग यूज करते हैं वो हाई रेसिस्टेंस का ब्रश यूज करते हैं। तो हाई रेसिस्टेंस ब्रश इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्पार्किंग को हम कम कर सकते हैं। क्या होता है कि कम्यूटेटर के टच में होता है ब्रश। ठीक है, तो कम्यूटेटर रोटेट करता है, ब्रश तो फिक्स होता है, तो स्पार्किंग होकर होता है, तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए हम हाई रेसिस्टेंस लगाते हैं ताकि हमारा स्पार्किंग कम हो सके। ठीक है, और फिर कम्यूटेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग हाई रेसिस्टेंस ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, विथ दिस टाइप ऑफ मोटर हेल्प इन बेटर कम्यूट, ताकि हमारा हाई रेसिस्टेंस ब्रश यूज करने से बेटर कम्यूटेशन हो। हाँ, तो बेटर कम्यूटेशन के लिए भी प्लस स्पार्किंग कम करने के लिए ही, तो हम लोग बेटर कम्यूटेशन मीन्स क्या, स्पार्किंग कम होगा। ठीक है, अब इसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, जो फिगर है ये है, यहाँ पर दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ है साउथ पोल्स हैं, और यहाँ पर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं एसी या फिर डीसी जो भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा आर्मेचर, यहाँ ब्रशेस है। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग्स है, तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर जो होता है यूनिवर्सल मोटर में सीरीज कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसी सीरीज मोटर, और कंस्ट्रक्शन डीसी सीरीज मोटर के समान होता है क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में हमारा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर सीरीज कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड वाले में, जो कंपनसेटेड टाइप होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड वाइंडिंग का मतलब होता है कि प्रत्येक स्लोट में इक्वल क्वाइल साइड्स होते हैं। ठीक है, इक्वल क्वाइल साइड्स होते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हेल्प इन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम लोग क्या करता है, पहले मैंने बताया था कि वो रिएक्टेंस वोल्टेज जो होता है आर्मेचर वाइंडिंग, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है, किसके, आर्मेचर के। और यह हमारा जो रिएक्टेंस वोल्टेज किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये ड्यू टू द अल्टरनेटिंग फ्लक्स होने के वजह से हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि मोटर हमारा रन कर रहा है एसी सप्लाई से। ठीक है, अब हमारा जो जो हम कंपनसेटेड टाइप जो हम यूज़ करते हैं वो दो तरह के यूज़ करते हैं, एक कंडक्टिवली कंपनसेटेड मोटर, एक होता है इंडक्टिवली कंपनसेटेड मोटर। ठीक है, तो कंडक्टिवली और इंडक्टिवली में क्या फ़र्क है, कंडक्टिवली मतलब क्या, हम लोग यहाँ पर ये मेन फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, यहाँ पर आर्मेचर है, यहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसके जस्ट सीरीज में लगाया गया। ठीक है, और इसमें भी सीरीज में ही है, लेकिन इसको हम इंडक्टिवली रखे हैं। ठीक है, ये कंडक्टिवली मतलब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रिकली इंडक्टिवली है, इंडक्टिवली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो सेम ही है, सो एज अ कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। सेपरेटली हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग आप लगाएं, आप सेपरेटली नहीं लगाएं। ठीक है, जैसा कि हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड मोटर पढ़ते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर सेपरेटली में क्या होता है, फील्ड को हम लोग सेपरेटली लगाते हैं, यहाँ पर हमने कंपनसेटिंग वाइंडिंग को सेपरेटली लगाया, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडक्टिवली कंपनसेटेड मोटर। अब हम आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर वर्क कैसे करता है, तो व्हेन करंट फ्लोइंग इन द फील्ड वाइंडिंग, जब फील्ड वाइंडिंग में क्या हो रहा है, करंट को फ्लो करा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है, फिर यहाँ पे हमने एसी सप्लाई दिया, मैंने एसी को दिखाया, तो एसी में मैंने क्या, करंट को सप्लाई दिया,
यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है। तो व्हेन द करंट फ्लोइंग द फील्ड वाइंडिंग इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, द सेम करंट ऑल्सो फ्लो फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर। सेमी करंट क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर में ही फ्लो कर रहा है, जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है फील्ड में, वही करंट हमारा आर्मेचर में फ्लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस, जब करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है आर्मेचर में, वो अगर प्लेस्ड होता है फील्ड फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर, तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये। ड्यू टू दिस मैकेनिकल फोर्स और टॉर्क द रोटर स्टार्ट टू रोटेट, सॉरी यहाँ पर स्टार्ट होगा स्टार्ट टू रोटेट, जिसके वजह से हमारा मोटर क्या होता, सॉरी जो हमारा आर्मेचर वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। द रन ऑन एसी, जब वो रन करता है तो एसी सप्लाई होने के वजह से ईडी करंट वहाँ पे इंड्यूस होता है, ठीक है। इसी के वजह से एडी करंट जो इंड्यूस होता है उसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड करते पोल को, ताकि हम रिड्यूस कर सके एडी करंट को, ठीक है। और यहाँ पर हमने दिखाया है दोनों, अगर मैंने पोलारिटी को चेंज, पहले मैंने यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दिया है, फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, तब भी हम लोग देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन, जो करेंट, जो रोटेशन का जो डायरेक्शन वो सेम ही है, ये क्यों हो रहा है इस तरह। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या जान रहे हैं कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई है, ठीक है। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि जो हमारा फील्ड है डीसी सीरीज मोटर में, क्या होता है कि जो फील्ड जो होता है वो कनेक्टेड होता है सीरीज विद आर्मेचर, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड होता है फील्ड, जिसके वजह से करंट और फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज करता है साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों ही हमारा फील्ड और आर्मेचर सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है और जो फ्लक्स प्रोड्यूस है दोनों साइमल्टेनियसली चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया फिगर, तो ये साइनसोइडल करंट को मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, ये करंट है, ठीक है। और सेम ही यहाँ पर इसी के साथ हमारा फ्लक्स भी साइमल्टेनियसली चेंज करेगा, अगर ये यहाँ पर जीरो हो रहा है तो फ्लक्स भी यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। सेम ही मैग्नीट्यूड सारा कुछ सेम होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। और जो हमारा टॉर्क होगा, टॉर्क जो होगा, ठीक है, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई है, तो टॉर्क हमारा प्रोड्यूस होगा सेमी डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क क्या, करंट पॉजिटिव है और फ्लक्स भी पॉजिटिव है, तो हमारा टॉर्क क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, टॉर्क हमारा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट नेगेटिव है और फ्लक्स भी नेगेटिव है, तो हमारा टॉर्क क्या मिलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अब टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस फाइव माइनस आई वन आई है, तो क्या मिला, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव आई है, तो टॉर्क हमारा क्या होगा, फिर हमारा पॉजिटिव ही टॉर्क मिल रहा है। यही वजह है कि हमारा जो टॉर्क है वो पोलैरिटी चेंज होने पर भी टॉर्क हमारा सेम ही डायरेक्शन में होता है, इसी वजह से फोर्स हमारा सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए मैंने आप पोलैरिटी चेंज किया, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन सेम ही है दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। तो इसका रीज़न बस यही है कि दोनों हमारा आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड होता है, जिसके वजह से हमारा फ्लक्स और करंट दोनों ही साइमल्टेनियसली चेंज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो पोलैरिटी होता है, ये लाइन बोल रहा है, द पोलैरिटी ऑफ द लाइन टर्मिनल ऑफ द डीसी सीरीज मोटर इज रिवर्स, द मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। हम अगर पोलैरिटी को रिवर्स भी करते हैं तो हमारा जो मोटर रोटेट करता है वो सेम ही डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो इसके वजह से एक्सपीरियंस करता है डीसी सीरीज मोटर वुड ऑपरेट इन एसी ऑल्सो, इससे हमको पता चलता है कि डीसी सीरीज मोटर एसी में भी ऑपरेट कर सकता है। तो बोल रहा है जो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो हम किस डीसी मोटर का वो डिटरमाइन करते हैं बोथ फील्ड पोलैरिटी और डायरेक्शन ऑफ करंट की पोलैरिटी पे ही हम डिटरमाइन करते हैं। फील्ड देखा मैंने, दोनों की पोलैरिटी से हमको पता चला कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा कि डिफरेंट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो थ्रो द आर्मेचर द नेचर ऑफ द टॉर्क विल बी पल्सेटिंग, नेचर जो टॉर्क है वो किस टाइप का, पल्सेटिंग टाइप है, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी ट्वाइस द लाइन फ्रीक्वेंसी, बोला लाइन फ्रीक्वेंसी जो हमने मान ली 50 हर्ट्ज मैंने यहाँ पर दिया, तो मैंने सप्लाई दिया 50 हर्ट्ज, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ट्वाइस द लाइन फ्रीक्वेंसी, जो लाइन फ्रीक्वेंसी दिए थे उससे ट्वाइस होगा, मतलब यहाँ पर 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है।
अब हम मॉडिफाई यूनिवर्सल मोटर बनाते हैं तो हम लोग क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं यूनिवर्सल मोटर को बनाने में। पहला क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज अ कम्यूटेशन प्रॉब्लम, कम्यूटेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए मैंने बताया कि हाई रेसिस्टेंस का ब्रशेस हम यूज करते हैं, जैसे कार्बन ब्रशेस हो गया, ग्रेफाइट ब्रशेस होगा, ये सारा कुछ यूज करते हैं। जैसे कि अगर लो लेवल का मतलब स्मॉल मशीन है तो वहाँ पर कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं, लेकिन अगर हाई हैवी मशीन है या फिर लार्ज रेटिंग मशीन है तो वहाँ पर हम लोग ग्रेफाइट ब्रशेस यूज करते हैं। ठीक है, तो हाई रेसिस्टेंस ब्रशेस यूज करते हैं, और जो ब्रशेस जो का एरिया होता है वो इंक्रीज मतलब लार्ज एरिया का जो ब्रश होता है वो हम यूज करते हैं इन्वर्सल मोटर में। ठीक है, मशीन इज जनरली ऑपरेटेड एट द लो फ्लक्स डेंसिटी। हम लोग लो फ्लक्स डेंसिटी में मशीन को ऑपरेट करते हैं। इस लो फ्लक्स डेंसिटी में ऑपरेट करने के लिए जो एयर गैप होता है स्टेटर और जो हमारा रोटर है, इन दोनों के बीच का जो एयर गैप होता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेटर और आर्मेचर के बीच में जो एयर गैप होता है उसको हम कम रखते हैं। कम रखने की वजह से हमारा लोअर फ्लक्स डेंसिटी में वो ऑपरेट कर लेता है आसानी से। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने बताया था स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं, प्लस थिक रखते हैं ताकि हम लोग रिएक्टेंस जो होगा उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है उसका रीजन भी मैंने बताया था कि हम कम ज्यादा रखते हैं मोटा क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारा रिएक्टेंस कैसे घटता है। ठीक है, ये चीज मैंने बताया था। ठीक है, फील्ड पोल्स एरिया इज इंक्रीज सो डेट द फ्लक्स डेंसिटी इज रिड्यूस। अगर फील्ड पोल एरिया को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, रिड्यूस करेगा। ये कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ पे पहले बोल रहा है कि फील्ड वाइंडिंग जो है वो हम स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं, इसका रीजन देखिए क्या होता है कि रिएक्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एल इजकल टू एन फाइव बाई आई, ठीक है, और हमारा फाइव जो होता है वो होता है बी ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फाइव के जगह पर पुट करूंगी बी ए, ठीक है, बाई आई। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एरिया क्या होता है, यहाँ पे जो एरिया होता है, जैसे ये जो कंडक्टर, ये जो हमारा एरिया जो मैंने इसको ये किया, ये एरिया इसी को मेरे, तो एरिया तो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स हमारा डिक्रीज किया है। तो एरिया कॉन्स्टेंट है, फ्लक्स डेंसिटी भी कॉन्स्टेंट है, और प्लस करंट भी कॉन्स्टेंट है, तो हमारा ये डिक्रीज कर रहा है, मीन्स हमारा क्या होगा, एल डिक्रीज करेगा। तो हमारा एक्सएल क्या होता है, 2 पाई एफ एल, ठीक है, तो एल डिक्रीज मीन्स हमारा रिएक्टेंस है, इसी से हमारा रिएक्टेंस डिक्रीज हुआ, तो इसलिए हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज हुआ। अब दूसरा लाइन बोल रहा है दैट फील्ड पोल एरिया इज इंक्रीज, अगर हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स डेंसिटी भी रिड्यूस होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, बी इजकल टू 5 बाई ए, ठीक है। अब हमें क्या बोल रही हूँ कि एरिया को मैं रिड्यूस कर रही हूँ, मतलब सॉरी एरिया जो हमारा रिड्यूस है, सॉरी मैं जो पोल का जो एरिया है उसको मैं क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, तो हमारा फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये चीज बोल रहा है, और इसके वजह से हमारा आयरन लॉस भी रिड्यूस करेगा और हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी रिड्यूस करेगा। आयरन लॉस कैसे रिड्यूस करेगा, तो हमारा जो आयरन लॉस होता है जिसको हम PI बोलते हैं वो होता है कॉपर लॉस, सॉरी ईडी करंट लॉस प्लस हमारा हिस्टेरेसिस लॉस, यही होता है। और दोनों हमारा क्या होता है, बी पे डिपेंड करता है, एक होता है, दोनों ही हमारा बी पे डिपेंड करता है, इसका इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है, दोनों ही बी पे डिपेंड करता है, और जैसे बी डिक्रीज करता है ओवर हमारा जो आयरन लॉस है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ लाइन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज इंक्रीज, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हम जो होता है उसमें इंक्रीज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट गेट द रिक्वायर्ड टॉर्क विद द लो फ्लक्स। जो रिक्वायर्ड टॉर्क होता है वो हमारा लो फ्लक्स में हमको जितना रिक्वायर्ड टॉर्क है वो मिल सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं आर्मेचर करंट को, आर्मेचर कंडक्टर को इंक्रीज करके रहते हैं, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को इंक्रीज करते हैं ताकि हमारा टॉर्क जो रिक्वायर्ड है वो लो फ्लक्स में ही मिल जाए। ठीक है, एक्सिस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल विद द मेन फील्ड एक्सिस। मेन फील्ड एक्सिस क्या होता है कि जो हमारा मेन फील्ड एक्सिस जो यहाँ पर होता है, सिर्फ फील्ड एक्सिस से जो आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग का एक्सिस है वो दोनों ही 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इट मे बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ बोथ द आर्मेचर एंड फील्ड, ये ऑब्वियसली
क्योंकि हमारा आर्मेचर फील्ड से सीरीज में कनेक्टेड है, और हम आर्मेचर से हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो ओवरऑल हमारा जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो आर्मेचर और फील्ड दोनों से ही सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये बोल रहा है लाइन, द फील्ड कोर इज कंस्ट्रक्टेड टू अ मटेरियल हैविंग लो हिस्टेरेसिस लॉस। जो जो फील्ड का जो हम कोर जो बनाते हैं वो इस तरह का मटेरियल से बनाते हैं ताकि वो जो मटेरियल हो उसकी हिस्टेरेसिस लॉस कम हो, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा तो हमारा क्या ओवरऑल क्या होगा, आयरन लॉस कम होगा, और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते कोर को ताकि हम एडी करंट लॉस को कम कर सके। तो पीआई क्या होता है हमारा, मैंने अभी अभी तुरंत बताया था कि पीआई जो हमारा होता है पीई प्लस पीएच होता है, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस करने के लिए हम लोग कोर को लेमिनेटेड करते हैं, और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम जो कोर मटेरियल यूज करते हैं उसका हिस्टेरेसिस जो होना चाहिए, हिस्टेरेसिस लॉस जो होना चाहिए उस मटेरियल का वो कम होना चाहिए। तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, आयरन लॉस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो आयरन लॉस कम रहेगा तो इफिशियंसी हमारी हाई होगी, लॉसेस कम होगी देन इफिशियंसी हमारा हाई होगा। अब ड्रॉबैक क्या है, यूनिवर्सल मोटर के ड्रॉबैक क्या है जब हम अप्लाई करते एसी सप्लाई, ठीक है। तो पहला इसका क्या होता है, इफिशियंसी लो होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉसेस आ जाते हैं, दैट्स वाई इसकी इफिशियंसी लो हो जाती है ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, ठीक है। पावर फैक्टर जो होता है इसका लो होता है ड्यू टू द लार्ज रिएक्टेंस ऑफ द फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग में भी रिएक्टेंस होता है और फील्ड वाइंडिंग में भी रिएक्टेंस होता है, जिसके वजह से हमारा जो पावर फैक्टर जो होता है वो लो होता है यूनिवर्सल मोटर का एसी सप्लाई देने की वजह से। द स्पार्किंग एट द ब्रश इज एक्सेसिव, ऑब्वियसली स्पार्किंग ज़्यादा होगा इसमें, इसी की वजह स्पार्किंग को कम करने के लिए हम लोग हाई रेसिस्टेंस ब्रशेज यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एप्लीकेशन जान लेते हैं कि इस इन्वर्सल मोटर का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर यूज होता है। ये तो हम लोग जनरली पोर्टेबल ड्रिल में यूज करते हैं, ठीक है, जो ड्रिलिंग मशीन होता है जहाँ पे हम लोग वाल को जो हम लोग दीवार को छिद्र कर दीवार में छिद्र करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वहाँ पर ड्रिलिंग मशीन में यूज करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग इन्वर्सल मोटर ही, उसमें मोटर जो होता है इन्वर्सल मोटर ही होता है। हेयर ड्रायर जो बाल को सुखाने के लिए जो हम यूज करते हैं उसमें भी जो मोटर होता है वो इन्वर्सल मोटर होता है। ग्राइंडर मतलब वही मिक्सर में जो हम यूज करते हैं वो इन्वर्सल मोटर होता है। टेबल फैन में भी इन्वर्सल मोटर है। ब्लोवर पे पॉलिशर, फिर किचन अप्लायंसेस में भी हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो यूज करते हैं किचन में, वो सारे जैसे मिक्सर हो गया है वगैरह बहुत सारे चीज़ें होते हैं, तो उन चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं इन्वर्सल मोटर का। तो ऐसे ओवरऑल पता चला है कि इन्वर्सल मोटर का हम डोमेस्टिक डोमेस्टिक एप्लीकेशन में ही यूज़ किया जाता है ये, मतलब छोटी छोटी मशीन को, छोटी छोटे मोटर। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी मैम से कोई क्वेश्चन है मैं चाहूंगी उसको डिस्कस करना, जितना भी मुझे मिलेगा मैं उसे डिस्कस करूंगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।